और आज आपको बता दें 19/3/2023 को मोहम्मद कामरान अंसारी द्वारा चलाई जा रही तहरीक पैगाम हक अंतर्गत मोहल्ला मेहमानशाह शाहजहानपुर के इस्लाह मुशायरा कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसकी शुरुआत हाफिज मोहम्मद अदनान ने तिलावत कुरान से की। और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि बरेलवी सुन्नी देवबंदी ये फ़िरकाबंदी बंद करी जाए, कलाम इलाही एक तो कौम में। हालांकि उलमाओं ने यह भी कहा कि जिस तरीके से फ़िरका परस्ती फैलाई जा रही है, आपस में गुटबंदी करी जा रही है, सिवाय नुकसान के इसमें कुछ नहीं है। हम लोग कलमा गो हैं, कलमा पढ़ते हैं, कुरान एक है, कलमा एक है, फिर ये आपस में गुटबाजी और आपस में फ़िरका परस्ती क्यों है? यही वजह है जो हम गड्ढे में जा रहे हैं, आए दिन कमज़ोरी पर कमज़ोरी आ रही है। इसीलिए कुरान एक और इसके साथ साथ इस्लाम एक, तो इसके लिहाज से मोमिन को भी एक होना चाहिए। हालांकि उन्होंने शेर व शायरी के अंदाज में यूं भी कहा कि मनफियत एक है, इस कौम का नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन और ईमान भी एक। इसके साथ साथ फ़िरका बंदी है, कहीं और कहीं जाते क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको पूरा विस्तार से दिखाएंगे। तहरीक पैगाम हक ने एक कॉन्फ्रेंस करी और कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उन्होंने जो बयान दिए, जो एक जलसे में अपनी बात को रखा, वो एक होने के लिए, फ़िरका परस्ती बंद हो, इस तरीके का ना हो कि ये देवबंदी हैं, ये बरेलवी हैं और ये कादियानी हैं, कुछ नहीं, हम सब नबी को मानने वाले हैं। और क्या कुछ कहा, विस्तार से सुनते। मुझे ईमान की दौलत से अल्लाह ने नवाजा, कुरान इन उयूब को बयान करता है, कुरान इन उयूब को वाजे करता है कि तुम किसी तरीके से किसी के बारे में गलत ख्याल ना किया करो, ज्यादा किसी के बारे में गुमान ना किया करो। या अय्युहल लदीना आमनु इज्तनिबु कसीरन मिनज़ ज़न्नि इन्ना बादल ज़न्नी इस्मुन वला तजस्सुसु। और दूसरा गुनाह इस आयत करीमा के बारे में, इस आयत करीमा बयान किया कि किसी के बारे में तुम तजस्सुस ना किया करो, किसी की टोह में ना लगा करो। आज हर इंसान एक दूसरे की टोह में लगा रहता है, इसके अंदर के गुनाह क्या है, ये ज़ाहिरी एतबार से तो बहुत अच्छा लोगों में दिखाई देता है, बड़ी अच्छी तकरीरें करता है, बड़ी तरक्की याफ्ता शख्स मालूम होता है, इसके अंदरूनी मामला क्या है उसके, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको तजस्सुस, उसका तजस्सुस करते हैं। कुरान इसको मना करता है कि वला तजस्सुसु, तुम किसी के बारे में जो है जासूसी ना किया करो। ये दूसरा गुनाह कुरान ने बयान किया, उसके बाद में तीसरा गुनाह बयान किया, वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम में से बाज की गीबत ना किया करें। अभी मैंने बताया कि लुम्ज उसको कहा जाता है जो सामने किसी के बुराई को बयान किया जाए, और अगर उसी बुराई को पीठ पीछे बयान किया जाए, अगर उसी बुराई को किसी के पीछे बयान किया जाए, ऐसी बात कही जाए जो बात अगर उसको सुनने को मिले तो उसके दिल को तकलीफ पहुंचे, ऐसी बात बयान करने का नाम गीबत है। और ये गीबत इतनी खतरनाक है, कुरान कहता है वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, फिर आगे कहता है अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरीतुमू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान की आयत की तफसीर बयान करते हुए और इस आयत की वजाहत करते हुए कहते हैं, कुरान इतने वाज़े अंदाज में कह रहा है कि अय लोगों, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा कि अपने भाई का गोश्त, मरे हुए भाई का गोश्त, एक तो ये कि कच्चा गोश्त, तीन चीज़ें पाई जा रही हैं, एक कच्चा गोश्त, दूसरे अपने भाई का गोश्त, फिर तीसरे मैयत, मरा हुआ। हम एक तो मरा हुआ गोश्त जो हमारे लिए हराम है, और दूसरे अपने भाई जो इंसान का गोश्त है वो भी हराम है, और फिर इंसान में भी सबसे ज़्यादा करीब अपना भाई, अपना बाप, अपना बेटा। अल्लाह कहता है क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच कर खाए, यानी कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। पर करी तुम तो इसी तरीके से इस बात को भी ना पसंद करो कि किसी की हम गीबत बयान करें, यानी गीबत को बयान किए में मुझे ईमान की दौलत से अल्लाह ने नवाजा, कुरान इन उयूब को बयान करता है, कुरान इन उयूब को वाजे करता है कि तुम किसी तरीके से किसी के बारे में गलत ख्याल ना किया करो,
ज्यादा किसी के बारे में गुमान ना किया करो। या अय्युहल लजीना आमनू जतनिबु कसीरन मिनज जन्नी इन्ना बादल जन्नी इस्मुन वला तजस्सुसु। और दूसरा गुनाह इस आयत करीमा के बारे में, इस आयत करीमा बयान किया कि किसी के बारे में तुम तजस्सुस ना किया करो, किसी की टोह में ना लगा करो। आज हर इंसान एक दूसरे की टोह में लगा रहता है, इसके अंदर के गुनाह क्या है। ये जाहिरी एतबार से तो बहुत अच्छा लोगों में दिखाई देता है, बड़ी अच्छी तकरीरें करता है, बड़ी तरक्की याफ्ता शख्स मालूम होता है। इसके अंदरूनी मामलात क्या है उसके, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको तजस्सुस, उसका तजस्सुस करते हैं। कुरान इसको मना करता है कि वला तजस्सुसु, तुम किसी के बारे में जो है जासूसी ना किया करो। ये दूसरा गुनाह कुरान ने बयान किया। उसके बाद में तीसरा गुनाह बयान किया, वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम में से बाज की गीबत ना किया करें। अभी मैंने बताया कि लुम्ज़ उसको कहा जाता है जो सामने किसी की बुराई को बयान किया जाए, और अगर उसी बुराई को पीठ पीछे बयान किया जाए, अगर उसी बुराई को किसी के पीछे बयान किया जाए, ऐसी बात कही जाए जो बात अगर उसको सुनने को मिले तो उसके दिल को तकलीफ पहुँचे। ऐसी बात बयान करने का नाम गीबत है, और ये गीबत इतनी खतरनाक है। कुरान कहता है वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, फिर आगे कहता है अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरीतुमू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान की आयत की तफसीर बयान करते हुए और इस आयत की वजाहत करते हुए कहते हैं, कुरान इतने वाज़े अंदाज में कह रहा है कि अय लोगों, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा कि अपने भाई का गोश्त, मरे हुए भाई का गोश्त, एक तो ये कि कच्चा गोश्त, तीन चीज़ें पाई जा रही हैं, एक कच्चा गोश्त, दूसरे अपने भाई का गोश्त, फिर तीसरे मैयत, मरा हुआ। हम एक तो मरा हुआ गोश्त जो हमारे लिए हराम है, और दूसरे अपने भाई जो इंसान का गोश्त है वो भी हराम है, और फिर इंसान में भी सबसे ज़्यादा करीब अपना भाई, अपना बाप, अपना बेटा। अल्लाह कहता है क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच कर खाए, यानी कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। पर करी तुम तो इसी तरीके से इस बात को भी ना पसंद करो कि किसी की हम गीबत बयान करें, यानी गीबत को बयान। इफ यू वांट टू सी दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स इन फ्यूचर, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.